बॉल ही नहीं आ रही यार, खड़ी हो जाती है। बॉल तो रुकी रही है वहां, टप्पा खाई थी पूरी खड़ी हो गई। ओए जा सामने मार दे बॉल, मार टेकर। बॉल भाई, लाइन मैंने गलत जज कर ली और उसकी वजह से बोल्ड हो गया। तीन चार मैच हो चुका इसके सामने में, 5 रन 10 रन इससे ज्यादा आज तक मैंने स्कोर ही नहीं किया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ क्रिकेट कार्डियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप में से काफी सारे लोग यार मेरे प्रैक्टिस ओपन नेट जो मैं ब्लॉग लेके आता था उसमें कमेंट करते रहते थे कि भैया आप मैच नहीं खेलते हो, आप मैच खेलने नहीं जा रहे हो। तो आज वो दिन आ गया, आज हमारा एक प्रैक्टिस मैच होने वाला है। दिवाली ब्रेक में हम ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल पाए हमारी टीम एक साथ मिलके, तो हमने सोचा अगले हफ्ते जो हमारे सेमीफाइनल फाइनल शुरू होने वाले हैं तो उससे पहले एक हमारा प्रैक्टिस मैच हो जाए। मैं आपको दिखा देता हूँ आज हमें कौन सी जर्सी पहननी है। आज हमारी ये रेड वाली है और हमारा व्हाइट बॉल से मैच होने वाला है। और ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है जर्सी, टाइका की है यार। टाइका बहुत ही रिनाउंड ब्रांड है और काफी अच्छे ये जो भी क्लोथिंग बनाता है काफी अच्छे होते हैं। इनके लोअर भी होते हैं, लोअर तो मेरे पास नॉर्मल है, टाइका का नहीं है, बट टी शर्ट टाइका की है। और एक यार ये हमें कोट भी पहनना है, तो कोट मतलब पहनना जरूरी तो नहीं है बट बहुत ठंड होने वाली है। अभी भी मुझे घर के अंदर ही टी शर्ट में थोड़ी सी ठंड लग रही है, बाहर जाके तो अभी देखते हैं। ये एस जी से एक बैट आया है हमारे पास, इसकी आज हम एक अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाएंगे, तो ये आपको संडे को देखने को मिल जाएगी। ऑलरेडी संडे या मंडे को मैं ये वाली अपलोड कर दूंगा, ये व्लॉग उसके बाद आएगा। तो जिस जिसको इस गिवअवे में पार्टिसिपेट करना है नीचे मैं लिंक दे दूंगा इंस्टाग्राम पोस्ट का, तो वहां पे जाइए पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। अब सीधा हम यार जल्दी से कपड़े पहनते हैं, लेट हो रहे हैं, 8 बजे तक पहुंचना है, 40 मिनट का टाइम है हमारे पास, कुछ खाना भी है, तो कपड़े पहनते हैं, किट पैक करते हैं और जल्दी से निकल लेते हैं। तो गाइस ज्यादा कुछ तो था नहीं, तो यार हमने एक ग्लास दूध का ही गर्म कर लिया और बाकी यार मम्मी कल एप्पल लेके आई थी तो एक एप्पल भी ले लेते हैं, बहुत लाल लाल एप्पल है। और हाँ मम्मा अगर आप ब्लॉग देख रहे हो देख लो, एप्पल मैंने ले लिया कल। मम्मी बोल के सोई थी कि जब भी जाए एक एप्पल जरूर ले जाइए, एक या दो जितने भी बने। और अभी यार ये देखो सारे मैंने गेट बंद कर रखे हैं, यहाँ का गेट बंद है, वहाँ का गेट बंद है, तो ये सारे गेट बंद करके मैं ब्लॉग शूट कर रहा था कि कोई और जो भी सो रहे हैं पापा मम्मी और बहन तो ये उठ ना जाए। 7:30 हो रहे हैं, उठ तो जाना चाहिए बट ये अभी तक नहीं उठे हैं, बट कोई नहीं, हमेशा ऐसे ही होता है। मैं सुबह तैयार होके मैच के लिए निकल जाता हूँ और इन्हें पता भी नहीं होता है कि मैच के लिए गया कहाँ पे गया। ये हमारा हार्दिक पांड्या के भी कुछ ना कुछ मतलब हमने सिखाया है इन्हें बचपन से कह सकते हैं। तो गाइस हम फाइनली ग्राउंड में आ चुके हैं यार, दोनों ग्राउंड में मैच चल रहा है, देखो यहाँ भी चल रहा है और धुंध देख सकते हो, धुंध तो नहीं कहेंगे इसे, स्मॉग हो रखी है पॉल्यूशन वाली, और यहाँ भी मैच चल रहा है हमारे ग्राउंड में। अभी तक हमारे प्लेयर ही नहीं आया तो बाबा छोड़ो आज क्रिकेटर नहीं, आज फेमिंग होगी साइन मार रही है। तो गाइस विकेट पे हम आ चुके हैं, आज की विकेट में आपको दिखा देता हूँ यार। देखो ओस की वजह से आपको आप सभी को पता ही होगा कि विंटर का सीजन आ रहा है तो ओस है पूरे ग्राउंड में, भी ओस है ये, अभी रस्सी करके हटाई है तो विकेट भी कहीं ना कहीं गीली है, तो इसीलिए आज हम टॉस जीत चुके हैं और हमने पहले बॉलिंग डिसाइड की क्योंकि गीली विकेट पर बैटिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता है। जब भी आपके पास गीली विकेट हो तो हमेशा आप पहले बॉलिंग चूज कीजिए और बाद में बैटिंग कीजिए, क्योंकि अभी सन भी आने वाला है तो ये गीली विकेट भी सूख जाएगी, आपकी आउटफील्ड भी सूख जाएगी और बॉलर्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है क्योंकि ओस की वजह से ग्रिप नहीं होगी, बट बैट्समैन के लिए भी दिक्कत होने वाली है, तो इसीलिए हमारी टीम ने डिसाइड किया कि पहले हम यहाँ पे बॉलिंग करेंगे। भैया प्रो आप तो, अरे कहाँ गोप्रो लगाने से प्रो थोड़ी ना होता है, मैं सुना एसजी ने आपको स्पॉन्सर किया है। अरे कहाँ भैया, हाँ भैया चैनल बता देना, मैं भी सब्सक्राइब कर लेता हूँ। कैच टेकन, बॉल
ही नहीं आ रही यार, खड़ी हो जाती है। बॉल तो रुकी रही है वहाँ, टप्पा खाई थी पूरी खड़ी हो गई। कमेंट करके बताना ये आउट था नॉट आउट था। बॉल मार दे मार दे मार दे, बैटिंग मार, बढ़िया ये शाबाश, यही 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 ऊपर बुलाओ शाबाश। शॉट भैया शॉट शॉट क्रिकेटर्स 10 ओवर खत्म हो चुके हैं और 10 ओवर में 63 पे 3 विकेट्स गिरे हैं दूसरे टीम के और 9 ओवर से ये दोनों बैट्समैन की पार्टनरशिप चल रही है। गाइस हंसने वाले काम तो हमारी टीम ने कुछ किए नहीं है। 20 ओवर में दूसरी टीम ने 189 रन्स बना दिए और 190 रन्स का टारगेट है। बहुत ही गंदी फील्डिंग और बहुत ही गंदी बॉलिंग हमारी टीम की, क्योंकि दिवाली ब्रेक के बाद आ रहे हैं, कोई भी फॉर्म में नहीं था और बहुत ही गंदी बॉल डाल रहे हैं। कोई फुल टॉस, कोई लेग साइड, कोई भी फील्ड प्लेसमेंट के हिसाब से नहीं डाल रहे थे। और ये देखिए हमारे बॉलर्स ऐसे घूम रहे हैं, इन सब ने एक कैच तो जरूर छोड़ी है और इनने कितने रन खाए हैं ये खुद से बताएंगे, मेरे को अभी देखना बाकी है ये, क्योंकि एक डेढ़ साल बाद खेल रहे थे। चलो इनको माफ किया हमने, ये जो भी नहीं जानते हैं यार, ये मेरा भाई है, कजन भाई, तो मोहित नाम है इसका और पीछे है अस्तित्व। अस्तित्व कितने ओवर डाले? चार ओवर। कितने अंदाजा विकेट मिली कोई? 30-35। मैं 2017 के बाद खेला था, मैंने ओवर में एक कैच उठवा दी थी पर फील्डर हमारे साथ नहीं दिया और एक कैच इनके लिए ब्यूटी थी और इन्होंने क्या किया वो ये बताएं। एक्चुअली वो क्या है ना, मैं कैच में थोड़ा सा काफी ज्यादा अच्छा हूं, तो बट रन आउट भी था, बट हाँ रन आउट भी थोड़ा गया, कैच भी थोड़ी। क्या चल रहा है? ये सीधी आ रही है उसकी, राइटी की स्विंग हो रही है इसकी, सीधी आ रही है स्टंप पे ना। अच्छा, तो ये है कि निकल के मत खेल, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि पिच फर्स्ट में बॉल फंस गई। लेग देना भैया लेग, थैंक यू। मिडल, थैंक यू। थैंक यू। चल शाबाश अंकुश। बैट ऑन। ओके। दो देखो उधर में, क्या 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 क्या। बैट ऑन। भागो भागो भागो। जल्दी बंद कर दिया भैया, 3 विकेट गिर गया। चला जा यार, मैं अनुमान अपना अपना चलिए ठीक है, जैसे खेलता भाई पहले ज्यादा भागने की जरूरत नहीं, टांग में ऐसे तो कॉल तुम करना।
ठीक है। ये देखो भाई A few moments later. अरे इनके catching practice कराने का था। इतना भर के मारा मैंने। तो गाइस मैच खत्म हो चुका है। मैं जिस बॉल पे बोल्ड हुआ वो लाइन मैंने गलत जज कर ली और उसकी वजह से बोल्ड हो गया और 6 बॉल में मैंने 2 ही रन बनाए और बहुत ही गंदा दिन था। हमारी टीम को 190 रन्स का टारगेट था और हमारी टीम ने 145 रन्स बनाए। हमारे अस्तित्व ने बहुत ही बढ़िया यहाँ पे लास्ट में 18 बॉल में 31 रन मारे हैं और ये जब भी आया ना मेरे मैच में कभी भी मतलब 2 या 3 मैच में आया ना 3-4 मैच हो चुका है इसके सामने में 5 रन 10 रन इससे ज्यादा आज तक मैंने स्कोर ही नहीं किया है। पता नहीं मैंने पहले ही बोला था मैं इस चक्कर में बाहर भी चला गया पर क्या करूं भाई ये तो चलो ये तो बोलने वाली बात हो जाती है। मैंने ही खुद से गलती की थी वो मैंने गलत लाइन जज करी थी। तो अब देखते हैं यार प्रैक्टिस ओपन नेट्स की हम सोच रहे हैं तो देखते हैं अब ओपन नेट्स करते हैं। बाकी बहुत ही गंदा मैच रहा है हमारी टीम के लिए। सीखेंगे इससे भी सीख मिलती है हर एक चीज़ से। कभी भी मतलब हार नहीं माननी चाहिए। अब प्रैक्टिस करेंगे अपने आप को और इम्प्रूव करेंगे। 1 hour later A few moments later. तो क्रिकेटर्स अभी अभी बस हमने वीडियो शूट करी है मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाले बैट की हमने अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाई है और ये देखिए क्या चल रहा है भाई ये देख सकते हैं। अब इसे जल्दी से पैकअप करते हैं और घर चलते हैं। आज का दिन ज़्यादा अच्छा नहीं था बट कोई नहीं नेक्स्ट मैच से हम वापस आएंगे डेफिनेटली। जो भी मैंने गलतियाँ आज करी है जो भी आपको बताई है वो बिल्कुल ना करें और अपनी गलतियों पे काम करते रहिए। अब आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद नमस्कार अपना ख्याल रखिए क्रिकेट खेलते रहिए। ये नहीं